गुरुग्राम की फरूख नगर मंडी में गेहूं और सरसों की फसल की खरीद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी, आढ़तियों की भूमिका और प्राइवेट मंडियों पर एक पड़ताल की गई है। इस पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पता चला है कि किसान प्राइवेट मंडी में फसल बेचकर नकद मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि सरकारी खरीद के बाद उनका पैसा खातों में कब आएगा, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। किसान आंदोलन के बीच इस पड़ताल में आढ़तियों की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। वही जब किसान कैमरे के सामने आए तो उनका दर्द छलक उठा और किसान बोले, साहब गेहूं की फसल तो एमएसपी पर बेच दी, लेकिन इसका पैसा खाते में कब आएगा, इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। गौरतलब रहे कि फरूखनगर मंडी में 35,000 क्विंटल सरसों की फसल की खरीद हो चुकी है। सरकार द्वारा निर्धारित सरसों की एमएसपी 4500 से 4700 के बीच है, जबकि कुछ किसान प्राइवेट मंडियों में 5000 और 5500 के बीच सरसों बेचकर नकद मुनाफा कमा रहे हैं। गौरतलब रहे साइबर सिटी की फरूखनगर अनाज मंडी में अभी तक 30,000 क्विंटल गेहूं की 1975 रुपए की एमएसपी पर खरीद हो चुकी है, जबकि प्राइवेट मंडी में गेहूं का रेट 1400 से 1600 के बीच निर्धारित किया हुआ है। सरकार द्वारा की गई खरीद के बाद अकाउंट में पैसा कब आएगा, इसका कुछ अता पता नहीं है। पड़ताल में प्राइवेट मंडियों में फसल बेचो पैसा पाओ, सरकारी व्यवस्था में फसल बेचो पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में, दोनों पर पड़ताल की गई। वहीं अनाज मंडी फरूखनगर मार्केट कमेटी के सचिव मनीष रोहिल्ला ने कहा कि देश भर में जहां प्राइवेट मंडी एमएसपी और आढ़तियों की भूमिका को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों न ऐसे तमाम मुद्दों की पड़ताल की जाए, जो कि न केवल किसानों को परेशान किए हैं बल्कि सरकारी नीतियों को भी कटघरे में खड़े किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि फरूखनगर की मंडी में बीती 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक 35,000 क्विंटल सरसों की खरीद के साथ साथ 30,000 क्विंटल गेहूं की खरीद भी की जा चुकी है और अगले 10 से 15 दिन तक खरीद जारी रहने वाली है। सचिव ने कहा कि एमएसपी मामले में अगर हम सरसों के एमएसपी की बात करें तो अभी तक फरूखनगर की इस मंडी में करीबन 35,000 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है, जिसका समर्थन मूल्य 4500 से 4700 के बीच रखा गया था। किसानों ने बताया कि प्राइवेट मंडी में सरसों का रेट 5000 से 5300 और 5500 के बीच था और वो भी आओ बेचो और पैसा ले जाओ की स्कीम पर। तो दक्षिण हरियाणा के ज्यादातर किसानों ने सरसों की फसल को प्राइवेट मंडियों में बेच बढ़िया कैश मुनाफा कमाकर उस बात को झूठा साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि अगर प्राइवेट मंडियां आई तो किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। उधर आढ़तियों की भूमिका की बात करें तो पड़ताल के दौरान अधिकतर किसानों का दर्द और पीड़ा कैमरे के सामने ही छलक उठा कि जब पास के गांव के किसान ने गेहूं की फसल को एमएसपी यानी 1975 के रेट पर बेच तो दिया, लेकिन उसके अकाउंट में फसल की खरीद का ये अमाउंट कब डिपॉजिट होगा, इसको लेकर कोई माकूल जवाब आधिकारिक तौर पर किसी के पास नहीं है। यही मौजूदा वक्त में किसानों के लिए सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है, क्योंकि किसान को जहां बीज से लेकर बुआई और कटाई तक की देनदारी करनी है और अपने बेटे और बेटी की शादी भी करनी है। राम सुंदर सिंह, सुंदर भाई क्या हाँ जी नंबर दिक्कत ये आ रही है, मान ले किसी को, मान ले गवर्नमेंट ने कह दिया भाई खाते में पैसे आएंगे, बीच में कोई समस्या है, कोई तीसरी दिक्कत है, शादी है, रजिस्ट्रेशन जैसे नहीं हुआ है, किसी का मैसेज आया है पैसे नहीं मिल रहे, कब आएगा कब नहीं आएगा, शादी की समस्या कैसे सोल्व करे, या तो मंडियों में सरकार अपना कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बिठाए जो किसी की समस्या सुने और उसको करंट सोल्व करे, आढ़तियों को खत्म करते हैं तो हाँ जी हाँ जी कोई समस्या सोल्व नहीं हो रही समाधान। अब मैं आया हूँ, मैं गया हूँ भाई साहब के पास, वो कह रहे भाई हमारे पास कोई समाधान नहीं है इस चीज़ का, जो गवर्नमेंट कर रही है हम जाने आप जाने, हमारे पास कोई समाधान नहीं है, अब तुम्हारा मैसेज आएगा तब देखना अपना पैसा। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी जी मेरी शादी है इतने तारीख को, ये कार्ड भी है और मेरा जी ऐसे ऐसे है, मेरा पहले ही इसका मैसेज का बंदोबस्त करो या उसका गेट पार कर दो कि मेरे को पैसे टाइम पे समय पे काम आ जाए, वो चीज़ें भी नहीं। उन्होंने बोले भाई हमारे पास कोई समाधान नहीं, गवर्नमेंट मैसेज भेजेगी कब भेजेगी कैसे भेजेगी। हाँ जी सरसों की खरीद जो हुई है उसका पैसा मिल चुका, गेहूं का नहीं मिल रहा है। सरसों के तो लोगों ने भेज, मेरे पास सिर्फ गेहूं गेहूं की समस्या है, मेरे पास गेहूँ है, सरसों होती तो मैं थोड़ा बहुत समस्या दलमल कर लेता अपनी को। मैंने तो कुंटल तो लाया हूँ मैं, 300 कुंटल तो घेर दिए मैंने, 20 एकड़ में बो रखे थे गेहूँ, हाँ जी 5 एकड़ उगाई पे थे उसके है और सारे पड़े हैं मेरे गेहूं में। तो क्या मांग करेंगे सरकार? बताओ सरकार से, ये तो है किसानों का मान लीजिए जो किया वो चलो ठीक है जैसा भी किया, या तो किसानों की थोड़ी सहायता करे, केसीसी को बढ़ाए, या तो मान ले 19-20 जो भी है बीच में करता है तो उसको 19-20 करे तो उसमें चल जाए, केसीसी को बढ़ा दे, जो समस्या जो किसानों को जो बीच में पैसे की आती है वो समस्या सोल्व होनी चाहिए, जो बीच में जैसे कि हमें बड़ियों से आढ़तियों से थोड़ा बहुत 19-20 कर लेते तो वो समस्या खत्म कर रहे हैं आढ़तियों की, तो आढ़तियों का कोई ना कोई उसका सोल्यूशन कोई रीजन निकाल के रखे कि आढ़ती ठीक ढंग से पैसे भी ले लेते हैं टाइम पे और सही फसल भी ले लेते हैं, लेकिन सरकार का क्या है, जैसे हम पंजीकरण कराना था जी
फसल का, हमें 10-15 चक्कर 20 चक्कर लगाए फिर भी हमारा पंजीकरण नहीं हुआ क्योंकि हमारी गिरदावली नहीं हुई। और उसमें बोले जब तक गिरदावली नहीं होगी जब तक आपका पंजीकरण नहीं होगा। हमें 20-25 चक्कर लगाए जी लेकिन हमारा फिर भी नहीं हो पाया जी पंजीकरण, कई किले हमारे रह गए जी। उसका हम क्या करें, बैठे हैं कि सरकार ने बैठाया है कि आप लोगों के बीच में मीडिएटर हैं, आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। यहाँ मार्केट कमेटी में आए तो कोई जी हो जाएगा जी, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, इस तरह से कह गए टकाते रहे जी। फिर क्या करें इस बारे में बताओ आप। तो तोल का तोल का क्या सही तरीके से तोला जा रहा है? तोल तोल तो ठीक है, खाली यही है भाई बिकने की दिक्कत आ रही है। अब मैं 14 किलो रजिस्ट्रेशन करवाया और मैं आधा किले का मेरा मैसेज आ रहा है। क्या नाम? नाम धर्मपाल। कहाँ, कौन से गांव? गांव खेड़ा खुरमपुर। अब गया तो इसके सेक्रेटरी के पास गया, वो बोले पटवारी गलती है, पटवारी बोले हम क्या करें हमारी कोई गलती ना, अब ऐसे चक्कर लगा रहा है कल से कोई समाधान ना है तो अब क्या करें, हम कहाँ देखें इसको। आपका? मेरा नाम जगदीप है जी। जगदीप क्या कहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? सारी दिक्कत है जी, कोई सुनने वाला नहीं है। डीसी साहब कहते हैं वहाँ जाओ, वे नहीं कहते वहाँ जाओ, वे चक्कर लगाओ। फसल बोई थी आपने, क्या गलती हुई इसमें? गेहूँ बो रखा है उसने, प्याज दिखा दी। किसने दिखा दी? उसने क्या नाम है पटवारी दिखा दी होगी। अच्छा, फिर किसी में जो चढ़वाया था उसमें गेहूँ दिखा दिए, ऐसे हो रहा है। तो चेयरमैन बैठे हैं, उनसे नहीं मिले आप? कोई फायदा नहीं मिलने का, वही नहीं कर डीसी के पास जाओ, मैसेज मारे पास नहीं, भाई डीसी जाके मिलो। अब डीसी क्या कह रहा है? डीसी नहीं, चेयरमैन के पास जाओ, ऐसे चक्कर कट रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? ये कुछ व्यवस्था नहीं है सरकार है, ये बस है एक ढोंग है किसानों को तंग करने का, वो है और कुछ नहीं है। सर अब तक मंडी में कितना गेहूँ जो है खरीदा जा चुका है, कितना सरसों जो है वो खरीदी जी? हमारे यहाँ पे मंडी में अब तक 30,000 के आसपास क्विंटल की हमारी वीट की परचेज हो चुकी है और हमारे जो सरसों है वो करीबन 33,000 क्विंटल के करीब आ चुके हैं जो कि प्राइवेट खरीद में गया है। शुरुआती तो जी जी किसान अभी भी लाइन लगा के जी, अब ऐसा है सरकार ने पत्राचार जो किया है, अब न्यूज़पेपर के थ्रू भी हमें पता चल रहा है, आप भी देख रहे हैं इसको, मीडिया में भी आया है कि अब हमारा जो अनशेड्यूल्ड किसान है वो भी माल लेके आ सकता है, पर उसमें एक हमारे को थोड़ा सा ये है कि मंडी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको अपना फार्मर बुलाना है। तो हमने अपने लेवल पे अपने आढ़तियों को बुला के मीटिंग करके बोला है कि आप एक्सेस में फार्मर ना बुलाएं ताकि मंडी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उनको भी उतना ही आएगी क्योंकि माल जब तक भरा नहीं जाएगा तो लिफ्ट नहीं हो पाएगा। मंडी में कोई बारिश या कोई और दिक्कत हो जाती है, आने जाने की आवाजाही है, वो सारा रुक जाता है काम। तो उसके लिए हमने इनको निर्देश भी दिए कि आप लिमिटेड फार्मर बुलाएं और जो जेन्युइन किसान है जिसका वाकई में ज़्यादा दिक्कत है वो अपना माल ले भी आए मंडी में, अगर वो माल लेके आता है तो हम उसको गेट पास जरूर देंगे। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जेन्युइन किसान है? ये ऐसा है डिसाइड करने का तो जी कि किसान अपने आप ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि किसान के पास जो ज़मीन है उसमें वो अपना वहाँ पर डाल नहीं सकता। गेहूँ कटवाता है मशीन से तो सीधा वो चाहता है कि मैं मंडी में ले आऊँ। मेरे यहाँ एरिया में मोस्टली 70-75% कटिंग हो चुकी है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो किसान सीधा ही लेके आ रहा है क्योंकि इतना किसान का होता नहीं है कि वो पहले अनाज को काटे फिर घर पे लेके जाए फिर उसको लेके आए। किसी के पास ट्रॉली की दिक्कत होती है, किराए पे लेके आता है, तो किसान ये है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट सा बन जाए क्योंकि आढ़तिया को फ़ोन करके किसान हमारा आता है, डायरेक्ट किसान ऐसे नहीं आता। जिसकी कोई दिक्कत ज़्यादा होती है तो चलो वो ले आता है तो हम उसको भी गेट पास कटवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मंडी में लगभग 50% जो हमारा माल लगभग आ जाए। सरकार ने गेहूं का 1975 रुपये रखा है सरकारी MSP रेट, उस पर रेट बिक रहा है, और हमारा जो सरसों है वो 4650 रुपये रखा है, उससे हमारा 5,52,53 यही है खरीद, कल भी 200 रुपये ऊपर गया है। जो किसान सुखा के अपना सरसों ले गया तो उसका रेट थोड़ा और ज़्यादा लग जाता है। प्राइवेट मंडी में 5,300 तक भी हमारा सरसों बिक रही है जी, अभी करंट गेहूँ तो 1975 ही है, सरकारी ले रही है, अभी प्राइवेट कोई नहीं ले रहा है। प्राइवेट रेट वैसे क्या डिसाइड किया? नहीं डिसाइड हमारी ओर से कुछ नहीं है क्योंकि जब मंडी में किसान का माल अभी सरकार ले रही है, सरकार जब खरीद बंद कर देगी उसके बाद अगर कोई रह जाता है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वही बेचेगा प्राइवेट में, तो अदरवाइज तो सब सरकार को बेचेंगे 1975 में जी। किसानों के पास नहीं होते जी, 4-5 साल से व्यवस्था यही है, तो कैसे अगर मैनेज करेंगे कि क्योंकि मौसम बीमारी
जी जी तो कैसे देखो उस समस्या को हम दूसरी तरफ से देखें कि किसान के पास जो ज़मीन है कई दो एकड़ के हैं एक एकड़ के हैं जो कुछ तो वो मंडी में ले आते हैं कुछ अपना खाने के लिए भी रखते हैं अपने पशु के लिए भी रखते हैं खाना तो जिसके पास जगह नहीं होती नॉर्मली सब ऐसे किसान होते हैं हमारे पास इतने बड़े किसान नहीं होते कि भी वो अपना सारा माल स्टॉक करके रख लें ऐसा कुछ नहीं होता सब किसानों को यही रहता है कि अपना मंडी में अपना तुरंत से जल्दी ले जाएँ माल क्योंकि वहाँ पर जाके कई चोरी की दिक्कत रहती है आग लग जाती है पीछे कई चीज़ें आती हैं तो किसान तो यही चाहता है कि फटाफट अपना ला के बेच दे तो हम भी उसके लिए बिठा रखे तो हम भी ये चीज़ चाहते हैं कि भाई किसान अगर ले आता है अपना माल हमने पहले तो डायरेक्शन ये की थी सरकार से भाई आप मैसेज के दिन ही आए पर अब ऐसा जो किसान आ जाता है तो उसको हम शेड्यूल अनशेड्यूल्ड को भी उनके पास करते हैं तो किसानों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि वो अपने माल को एक तो सुखा के लेके आएँ सुखा के लेके आएँ ताकि उनका जो माल है वो अच्छे रेट पर उनको मिल जाए जैसे सरसों है हमारी 5300-5400 तक जा रही है अगर कोई गिली सरसों लेके आएगा अपनी तो नेचुरल सी बात है 4400-4500 तक जाएगी तो वो मेरी ओर से तो अपील ये है कि वो अपने माल को सुखा के लाए और हो सके तो अपना जिस मैसेज पे आए वो लेके आए ताकि मंडी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमारे को मैनेजमेंट में दिक्कत ना आए किसान को भी कोई दिक्कत ना आए और हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको भी दिक्कत ना आए इस चीज़ से जी सर। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी जैसे कि फ्री पार्किंग ईडीसी आईडीसी फ्री क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।